नमस्कार, मैं हूं आरवी सिंह और आप देख रहे हैं मघी आवाज। आइए रात एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों। गलवान पर पहली बार चीन का कबूलनामा। झड़प के 8 महीने बाद चीन ने अपने 5 सैनिकों की मौत की बात कबूली, सभी को हीरो का दर्जा दिया। नासा के मिशन मार्स को भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति ने कामयाब बनाया। लैंडिंग और एटीट्यूड कंट्रोल का संभाला जिम्मा। भूटान में सुप्रीम कोर्ट जज और सैन्य अफसर गिरफ्तार। तख्तापलट की बड़ी साजिश हुई नाकाम। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती को सराहा। छात्रों से कहा किसानों शिल्पकारों के लिए वैश्विक बाजार उपलब्ध कराएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रपति शिवाजी महाराज को 391वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बोले जय शिवाजी। विश्व के जाने माने कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री संजय राजाराम का कोविड-19 के कारण निधन। अमेरिका में ली अंतिम सांस। आंदोलन को नई धार देने के लिए किसानों को पढ़ा रहे धैर्य अहिंसा का पाठ। कानून के विरोध की वजह भी बता रहे नेता। पतंजलि ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा। बाबा रामदेव बोले अब हम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेताजी के कार्यक्रम में रुट गई थी ममता। मैं होता तो मैं भी जोर से लगा देता जय श्री राम का नारा। जेपीएससी एग्जाम में आवेदकों के लिए अच्छी खबर। उपायुक्तों और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य। पटना में अमृतसर जैसा बड़ा रेल हादसा होते होते टला। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने की बड़ी गलती। फास्टैग होने के बावजूद भी अब मुफ्त में कर सकते हैं टोल क्रॉस। केवल 7 राज्यों में हो रहा फास्टैग से पेमेंट। पत्नी पायल से जल्द तलाक चाहते उमर अब्दुल्ला। सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। आगरा में कूड़े से बनेगी बिजली। कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर प्लांट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। यूपी में कोरोना के दौरान 8वीं तक के स्कूल खोलने पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से जवाब तलब। उन्नाव केस में बुआ भतीजी की हत्या में फोरेंसिक को मिले सुराग। पुलिस ने पूर्व सांसद को गांव के बाहर रोका। बंगाल सरकार पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कसा तंज। जिस प्रदेश में मंत्री सुरक्षित नहीं वहाँ जनता का हाल क्या होगा। जीतनराम मांझी ने की बंगाल में विधान परिषद की मांग। निजी और न्यायिक क्षेत्र में भी हो आरक्षण की व्यवस्था। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने कहा बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बाहरी लोगों को वापस लौटना होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से मिला सुप्रीम कोर्ट का पैनल। सीबीआई ने फिर अड़ाई टांग। लालू को करारा झटका। राजद खेमे में निराशा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन साइकिल की सवारी करते हुए पहुंचे विधानमंडल। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी दल के विधायक लगातार कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजधानी पटना में मंत्री मदन सहनी ने नशा मुक्ति अभियान के लिए प्रचार रथ को किया रवाना। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।